रिंसन ब्लॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। और ये देखिए पूरा कंप्लीट जो कि पेन बॉक्स कंसील्ड बॉक्स सारा साफ़ हो चुका है, डिब्बी और बोर्ड सारा साफ़ हो चुका है। तो आज शाम को 5 बजे आप लोग का ये वीडियो मिल जाएगा और कल शाम को 5 बजे बाहर डालने का प्रोसेस मिलेगा आपको। देखिए मेन बोर्ड है, एमसीबी बॉक्स और ये डिब्बी है। और देखिए सारा जितना होल है पूरा साफ़ हो चुका है, फैन बॉक्स वगैरह और कंसील्ड। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ एक एक कमरे से। ये देखिए 12 मॉडल का बॉक्स है और ये जंक्शन है। और ये देखो ये भी जंक्शन है, यहाँ पर 6 मॉडल का बॉक्स दिया है, विंडो के बगल में यानी कि खिड़की के बगल में। और इधर भी खिड़की के बगल में 6 मॉडल का बॉक्स है। और ये देखिए कैंसिल्ड, एक कैंसिल्ड और यहाँ पर 2 कैंसिल्ड और यहाँ पर एक फैन बॉक्स और यहाँ पर 2 फैन बॉक्स। एक कमरे में 2 फैन बॉक्स और 2 कैंसिल्ड दिए हुए हैं। और ये एसी बॉक्स है और ये जंक्शन है जो कि यहाँ से होकर इस बोर्ड में आया है और इधर से होकर इस बोर्ड से इस ऐसे आया है। तो देखिए स्लाइडिंग लगा हुआ है। और चलिए दूसरे कमरे में दिखाते हैं आप लोग को। और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए भाई आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए डिज़ाइन भी इसमें डाला हुआ है, पीओपी किया हुआ है। तो ये देखिए 2 कंसील्ड है और ये एक फैन बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है और ये 2 कंसील्ड है। मैंने बोला था कि आप लोग को 4 कंसील्ड, 2 फैन बॉक्स है और एक एसी बॉक्स है। यहाँ पर 6 मॉडल का बॉक्स और ये भी 6 मॉडल का बॉक्स, ये रहा 12 मॉडल का बॉक्स। और इसमें मैं बता दूँ कि इसमें रहेगा और जो लाइट फैन और कैंसिल्ड लाइट है इससे जलेगा। और इसमें 200 वॉट रहेगा, 116 एम्पियर, 106 एम्पियर रहेगा और उसमें भी 106 एम्पियर, 116 एम्पियर रहेगा। तो चलिए दूसरे तीसरे कमरे में दिखाते हैं आप लोग, ऐसे ही हमारे वीडियो बने रहिए। और ये देखिए यहाँ पर 18 मॉडल का 4 बॉक्स है, 1, 2 और ये रहा 3 और ये रहा 4 और यहाँ पर मैं एमसीबी बॉक्स है। तो चलिए दिखाते हैं तीसरे कमरे में आप लोग, ऐसे ही हमारे वीडियो बने रहिए और पूरा आप लोग को पूरा कंप्लीट दिखाया जाएगा। देखिए 12 मॉडल का बॉक्स है, ये ट्रांजेक्शन अच्छे से साफ़ किया हुआ है। और मैंने बताया था कि आप लोग को 2 कंसील्ड इधर है तो और एक फैन बॉक्स यहाँ पर है, एक फैन बॉक्स यहाँ पर और 2 कंसील्ड और एसी बॉक्स और ऊपर जंक्शन दिया हुआ है। और ये देखिए 6 मॉडल का बॉक्स है और 6 मॉडल का बॉक्स वहाँ पर भी है। चलिए चौथे कमरे में दिखाते हैं। यहाँ पर चौथे कमरे का मतलब ये यहाँ पर किचन है। तो चलिए हम किचन में भी आप लोग को दिखाते थे जो कि ये देख नहीं रहा था तो इसलिए यहाँ पर पीओपी नहीं किया गया है। ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला देख नहीं रहा था। और ये देखिए फैन में कितना अच्छा डिज़ाइन दिया है और अभी कलर हो गया इसके बाद और मैं जला दूंगा उसके बाद, मैं तो रहूँगा नहीं भाई। तो लाइन चालू करने के बाद ये देखिए 2 कैंसिल्ड इधर, 2 कैंसिल्ड इधर, एक फैन बॉक्स बीच में और ये रहा 6 मॉडल का बॉक्स, इससे उस कमरे में करंट चला जाएगा। और ये रहा 12 मॉडल का बॉक्स, तो यहाँ से लाइट और फैन और कंसील्ड लाइट यहाँ से जलेगा और सॉकेट भी रहेगा इसमें। तो चलिए 5वें कमरे में आप लोग का स्वागत है और हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, ऐसे ही हमारी वीडियो बन रही। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 फैन बॉक्स हैं जो कि आप लोग को दिख रहा है। देखिए ये कैंसिल्ड बॉक्स अच्छे से साफ हो गए, एसी बॉक्स ऊपर क्या है जैक्सन आप लोग कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर क्या है, ये कितना मॉडल बॉक्स है आप लोग को दिख रहा है, तो देख सकते हो आप, ये 6 मॉडल का बॉक्स है। आप लोग भूलिएगा मत, यहाँ से कनेक्शन हुआ ऐसे नीचे से, ऐसे यहाँ से वो 6 मॉडल का बॉक्स वहाँ पर भी। और ये रहा कंसील्ड बॉक्स, ये भी कंसील्ड बॉक्स, ये 12 मॉडल बॉक्स जो कि लाइट और फैन बॉक्स और कंसील्ड लाइट यहाँ से वर्क होगा, यहीं से चलेगा। तो चलिए, और ये रहा जीना, आप लोग जानते ही हो जीना। और ये रहा लास्ट कमरा, उसके बाद बारजी का आपको लाइट दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 18 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है। तो ये देखिए इस कमरे में लाइट ज़्यादा दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग देख ही सकते हो ये कैंसिल्ड है, ये फैन बॉक्स, ये फैन बॉक्स, ये फैन बॉक्स, इसमें 3 फैन बॉक्स दिए हुए हैं। तो लाइट जानते हैं 3, 6, 2, 8 कैंसिल्ड है इसमें। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए तीनों कैंसिल्ड और ये कैंसिल्ड, ये कैंसिल्ड और ये भी कैंसिल्ड, ये भी कैंसिल्ड। मैं लेंटर में पाइप नहीं डाला हुआ था और दूसरा कोई डाला, तो आप लोग देख सकते हो पूरा जंक्शन, ये भी जंक्शन है और ये 6 मॉडल का बॉक्स
और ये रहा आईसी बॉक्स, ये रहा 6 मॉडल बॉक्स और एक और है 6 मॉडल बॉक्स। आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग देख सकते हो ये बारजे की लाइट है जो दिखाई दे रही, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से होकर ऐसे ही तो ऐसे ही सेम प्रोसेस वहाँ पर भी है। चलिए आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर ये देखिए यहाँ पर तार वगैरह खुल रहा है, तो चलिए तार का प्रोसेस चालू है। तो अगले वीडियो में आप लोग को कल मिलेगा शाम को 5 बजे। ओके बाय। हेलो सर, ब्लॉक में आप लोग सर देखिए आज मैं देखिए एक कमरे के कनेक्शन कैसे होता है और वायर कैसे डालते हैं, तो आप लोग को हम एक कमरे में बता देते हैं। बाकी पूरा इस डॉक्टरी में पूरा वैसे ही करना है प्रोसेस, आप लोग को बताते हैं। तो ये देखिए ये जो दो वायर है, ये जो 4 mm में डाला हूँ ये दो वायर, और इसको ये जो मतलब ये तो 2.5 mm का है, 4 mm है, और ये दो मैं एसी के लिए डाल रहा हूँ, और ये 4 mm है दोनों, देख सकते हो आप लोग 4 mm ये भी है, 4 mm ये भी है। तो एसी के लिए है, एसी का पॉइंट यहाँ पर है, आप लोग को दिख रहा है। और ये जो 2.5 mm का है और ये सर्किट है घर के लिए, जैसे कि जो इस ये 12 मॉडल बॉक्स है इसमें आएगा 2.5 mm का वायर, सारा पॉइंट इसी में आएगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ऐसे ही देखते रहिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से लिया हूँ, दूसरे कमरे में गया है तो दिखा रहा हूँ आप लोग को। और आप सब देख सकते हो यहाँ पर ये फैन में निकला हुआ है, ये सारा वायर यहाँ पर आया है, और ये जो पीला वाला है ये पॉइंट है, और जो नीला वाला 1 mm का है ये न्यूट्रल है, 1.5 mm का जो कि लाइट का पॉइंट है। तो देखिए और मैं इसको भी मैं डाल रहा हूँ, और 1 mm का मैं इन्वर्टर के लिए डाला हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस सारा वायर को मैं डालूँगा उस बोर्ड में और एसी वाला वो उसमें रुक जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग के सामने ही डाल रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। तो देख लीजिए ये वायर अच्छे से नाप कर, ये वायर नपा हुआ है, तो इसी के साथ मुझे डालना है ये सारा वायर को। तो देखिए और मैं अभी डाल रहा हूँ, मुझे ये बड़ा करना है। मैं थोड़ा सा वायर खींच के और इसमें डालूंगा जो उस कमरे से है वो आ रहा है, तो देखो तो ये वाला बिल्कुल आसानी से हो गया। और मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, जो छोटा पड़ेगा उसको खींच लूँगा, वह उधर से काटना ही हूँ और बंडल से काटना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम टेप मार देते हैं, देखिए यहाँ पर अच्छे से टेप मारा हुआ है। और इसको भी यहाँ से टेप मार देंगे जो कि चढ़ाना निकले नहीं तो दिक्कत होगा। तो आप सब देख सकते हो यहाँ से मैं डाल रहा हूँ और उस कैंसिल्ड में निकलेगा। तो देखिए यहाँ से वायर आ चुका है, मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूँ।
ये देख लो। और ये देखिए अभी पूरा वायर इसी में आएगा, ये देखिए। ये लगी जा तीन ठीक है जा तीन चार ठीक है चार ठीक पाँच ठीक कर यही थोड़ा सा ढीला कर दो। तो मैं देख लेता हूँ और फिर यही वायर मैं यहाँ से डालूंगा और यह इस बोर्ड में निकलेगा। स्टील वायर डाले देखिए स्टील वायर भी डाला हुआ है, तो मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ और ये वायर इधर से डाल के इधर से निकाल रहा हूँ। वीडियो बनाता हूँ देखिए आसानी से तारे निकल गए यार। ये उड़ाओ एक रान ना कैसे लिए वाला है जो छोटा रह गया उधर से नीचे लोगे उधर से बोला था कि अभी कट नहीं किया हूँ तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर वाला जितना है तार नीचे किधर मंगाई थी से वो कल दम से यहाँ पर खींच रहे हैं और उधर से वह नीचे है बस बस थोड़े में वाला भी नीचे बाकी सब नीचे का मेरे कार्ड में देखते। तो देखिए यहाँ पर दो एसी का है और यहाँ से एक इनपुट है एक आउटपुट है, यहाँ से होकर एक उस कमरे में जाएगा जो कि मैंने खींचा था और देखिए ये फोर एम का एसी का जो है यहीं पर छोड़ दिए हैं और ये जो है अभी खींच कर जाएगा इस बोर्ड के पास पहले खींचा था। और ये तीन वायर है और दोनों तरफ से मैं खींच रहा हूँ धीरे धीरे बस बस खींच रहे इधर से इधर से खींच किधर से खींच लीजिए सर नीचे और ढाई और लाल को ही कही होगा यही या जो लाल को हाँ नीचे एम का था बोलिए एम का चालू के तो उल्टा सीधा नीचे था। फिर देखिए और हाँ ये तो बचा है इसको भी खींचना है उधर से थोड़ा सा बड़ा है खींचो फोरम वाला खींचो ये दोनों जो चपक गए हुए अच्छा रहा इधर रहा इधर तो ये देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ और इधर से आ चुका है ये देखिए और ब्लैक वाला भी और ये देखिए इधर से आ रहा है और इधर से खींच रहे हैं ये भी हो गया। तो इसको हम गांठ मार देंगे तो देखिए यहाँ पर गांठ मार चुका है और अभी मैं इसको ये देखिए नाप चुका हूँ और अच्छे से ये जो है तार देखिए यहाँ पर नाप चुका हूँ और नापने के बाद देख लो एक डेढ़ भी तो बड़ा है। तो चलिए फिर आके दिखेंगे इसको अंदर डाल देते हैं डाल कर दिखाएंगे। देख लो ये वायर है और इसमें टेप मार देना है यहाँ पर टेप मार लेंगे
और अच्छे तरीके से टेप मारना है, नहीं तो दिक्कत होगा। और तो मैं इस वायर को उस बोर्ड तक नाप चुका हूँ और इस वायर को मैं डाल रहा हूँ इधर पर। तो देख सकते हो यहाँ से मैं डाल रहा हूँ और इधर से ही नीचे जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। और आसानी से ये देखिए बिल्कुल आसानी से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें। ये एसी का बोर्ड है, 3 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर। और चलिए बस बस हो गया, ये देखो। और ये जो बड़ा वाला वायर है ये यहाँ से जाएगा, उस वहाँ पर बोर्ड है, ये इसी में लगेगा। तो देखिए मैं इस वायर को नाप रहा हूँ यहाँ से, इस कमरे में आ चुका हूँ और यहाँ बोर्ड पर नापूँगा और अच्छे से। तो देखिए यहाँ से जैसा कर लेना है, उसके बाद यहाँ से घूम कर आया है और देखो, और इतना बड़ा होना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ से मैं कटिंग कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ, ये देखिए कट हो गया। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर जोड़ने जा रहा हूँ और तीनों को जोड़ के आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर भी काला तार जोड़ रहे हैं। चलो रहेगा, यहाँ पर भी नीले तार जोड़ रहे हैं। सब दूरी दूरी जोड़ते हैं इसलिए शॉर्ट आउट नहीं हो। हाँ ये देखो जोड़ चुका है, अब टेप मारने के लिए बाकी है। यहाँ पर भी टेप मार चुके हैं। तो देखिए अच्छे से टेप मार हो चुका है और अब यहाँ से लेकर हम ऐसे ही इसको वायर डालेंगे, वायर डाल के इस बोर्ड में निकाल देंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं वायर डाल के। तो देखिए स्टील वायर डालकर इसमें वायर बांध दिए हैं और उधर से इंचा जाएगा इंचा। तो देख लीजिए इसे पूरा वायर जा रहा है। और आप लोग को यह काम कैसा लग रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए भाई, इस चैनल को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और वर्क का काम देखते रहिए। बस हो गया। तो ये देखिए 3 पॉइंट है, एक इन्वर्टर और एक न्यूट्रल, एक फेस। तो कैसा लगा आप लोग को काम ये? और तो देखिए वायर निकल चुका है थी। चलिए ओके बाय। अरुण सर ब्लॉग में आप लोग का स्वागत। तो देखिए एमसीबी बॉक्स में इतना सारा वायर आया हुआ है और तार को डाल दिए हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है, वायर पड़ चुका है। और ये देखिए ये 18 मॉडल का बॉक्स है, आप लोग को दिखा रहे थे। ये मेन वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, 1.5 का है और ये सारा पॉइंट है। तो देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6 पॉइंट है इसमें। और इस साइड में देख लो, और आप लोग को मैं पूरा सर्किट दिखा रहा हूँ। इसमें यही हुआ है कि देखिए 2 सर्किट जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो देखिए उसमें से जो मेन बोर्ड से ऐसे उठकर आया हुआ है और ऐसे आया हुआ है इस बोर्ड में, इस बोर्ड से उठा हुआ है दूसरे बोर्ड में, उस बोर्ड में गया है। तो चलिए हम दिखाते हैं और इसमें कितना पॉइंट है। देखिए 2, 2, 4 पॉइंट है और इसमें 1 फैन का इसमें है और 2 फैन का उस साइड में है। तो आइए देखिए इस वाले में देखते हैं। तो देखिए और जो इसमें एक सर्किट दिख रहा है इसको ऊपर ही जोड़ दिए हैं वहाँ पर से, और वहीं से होकर वो किचन में चला गया है। तो देखिए इसमें कितना पॉइंट है, ये न्यूट्रल है और ये इन्वर्टर का है। इन्वर्टर का जो है मैंने देखिए टेप मार दिया हूँ और तीनों एक ही में, ये 1 ओम का है और ये 1.5 ओम का न्यूट्रल है। तो देखिए इसमें कितना पॉइंट है, और 1, 2, 3, 4, 5। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए भाई आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक होल्डर या ट्यूबलाइट लगेगा,
और ये किचन है देखिए, इसमें चार सीलिंग और कैंसिल लगा है और एक फैन। और इसमें क्या है कि एक 6 मॉडल का बॉक्स है ये देख लीजिए, और एक 12 मॉडल का बॉक्स है। तो ये देखिए, मैंने बोला था कि ना ये जो उधर से 18 मॉडल वाले के बॉक्स में से आया हुआ है वो ये है, और जो यहाँ से गया हुआ है वो ये है। तो आप लोग ऐसे ही वायरिंग कीजिए भाई, 2-2.5 मीटर वायर भले भी लग जाए लेकिन अच्छे से कनेक्शन होना चाहिए और दिक्कत नहीं आना चाहिए कभी भी। और इसमें पॉइंट है तो 1, 2, 3, 4। और इसमें क्या किया है जो मैं बता रहा हूँ, वो 2 कंसील्ड एक बटन से, ये 2 कंसील्ड एक बटन से, वो फैन एक बटन से, और यानी कि और ये एक बटन से हुआ, तो हुआ ना 4 बटन, तो यानी कि 4 पॉइंट हो गया। तो चलिए हम आगे कमरे में दिखाते हैं आप लोग को। तो ये देख लीजिए जो उस तरफ से आया हुआ है, ये देख लीजिए ये सर्किट है, इसमें मैंने जॉइंटिंग कर दिया हूँ। और कैसे जॉइंटिंग करना चाहिए मैं आप लोग को वीडियो बना कर दे दिया हूँ। और ये देखिए तवार छील कर मैं छोड़ दिया हूँ, ये सब सारा पॉइंट है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट है। तो मैं उस दोनों कैंसिल को एक पॉइंट किया हूँ, और ये दोनों कैंसिल का एक पॉइंट किया हूँ। ये फैन बॉक्स है 1, ये 2 दूसरा, तो 2, 2, 4, और ये 5, और ये वाला 6 हो गया। और यहाँ पर एसी का बॉक्स भी है जो कि एसी का सर्किट लेगा। और ये देख लीजिए यहाँ से जो हुआ है, यहीं से सर्किट गया है उस बोर्ड में, वहाँ पर है। और ये देख के कांच कितना बढ़िया लग रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। तो ये वीडियो आप लोग को कल मिलेगा। तो ये देखिए 6 मॉडल का बॉक्स, इसमें कुछ करना है, छील के वायर केवल लगाना है, ये मिरर। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक और कमेंट कीजिए भाई, देख लो और देखते रहिए। और चलिए हम दूसरे कमरे में दिखाते हैं आप लोग। तो उसमें सारा जीना है, यहाँ पर भी डाउन सीलिंग अच्छे से लाइट वगैरह लगेगा, डीप लाइट रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ 12 मॉडल बॉक्स है, ये सब अभी होगा साफ। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं वायर पड़ चुका है। तो देख सकते हो ये 18 मॉडल बॉक्स है, यहाँ पर 2 सर्किट उतारा हुआ है, और ये इसमें से 2 न्यूट्रल हो चुका है, बाकी सारा पॉइंट है। इसमें कितना पॉइंट है मैं दिखा रहा हूँ, 3 है, और ये 4 है, 4, 3, 7 पॉइंट है, और ये 18 मॉडल बॉक्स है, 2 सर्किट लगेगा। तो चलिए हम अंदर भी आ चुके हैं, और इसमें पहले मैं आप लोग को लाइट दिखा देता हूँ। देख लीजिए 1, 2, 3 उस साइड से, 1, 2, 3 इस साइड से, और 3 फैन बॉक्स डाला हुआ है, 1 लाइट उधर, 1 लाइट इधर, यानी किसी कैंसिल्ड बॉक्स जो डाला हुआ है, इतना 8 पीस है। तो देखिए मैं इसमें पॉइंट गिन लेता हूँ, 4, 4, 8, 1, 9 पॉइंट है, तो 9 पॉइंट, 2, 3, 12, तो सॉकेट कम लगेगा इसमें। तो आप देख सकते हो ये जो किनारे किनारे वाले में 2 इसमें फैन लग गया, और बीच वाले में कोई कुछ भी लगा सकते हैं। और एसी बॉक्स है 3 मॉडल का, और ये देख लो 6 मॉडल बॉक्स है, 2 सर्किट है इसमें, और जोड़कर मैं इसको एक सर्किट बनाऊंगा, और आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और ये देखिए इसमें भी 2 सर्किट है, और 2 सर्किट होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, जो भी दिक्कत होगा जैसे कि यहाँ पर जला हुआ है तो ऐसे ही दिखाई देगा तो जल जाएगा, तो फॉल्ट रहेगा तो वैसे भी फॉल्ट नहीं होता है। तो देख लीजिए आप लोग यही है, तो वो जो दिख रहा है यहाँ पर एक ही सर्किट है, तो उस बोर्ड में से आया है डायरेक्ट इस बोर्ड में। तो देख लीजिए और आगे कभी मैं दिखाता हूँ दूसरे कमरे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए भाई लोग। और आप लोग जानते ही हो पूरे सर्किट मैं इस बोर्ड में उतार चुका हूँ, और पूरा सर्किट, और मैं जो देख लीजिए ग्लव्स पहन कर काम करता हूँ भाई। और इसमें देख लीजिए 3 सर्किट है, 1, 2, 3 3 सर्किट है। तो भाई उस बोर्ड में से इसमें आया है, इसी बोर्ड में से उस साइड भी गया है, और इसी बोर्ड में से उस कमरे में भी गया है। तो हमेशा भी ग्लव्स पहन कर काम करना चाहिए। और इसमें पॉइंट कितना है मैं आप लोग को बता देता हूँ, 3 और 4, 3, 7 है। तो देखिए उसमें 2 कैंसील्ड है, और ये 2 फैन बॉक्स है, 2 कैंसील्ड इधर भी, और इसको कैंसील्ड को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन लाइट। और देख लीजिए ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 सर्किट है, इसको जॉइंटिंग करके एक सर्किट किया जाएगा। तो देख लीजिए ऐसे ऊपर ही जॉइंटिंग कर दिए हैं इसमें,
और ये देखिए 6 मॉडल का बॉक्स है, और ये आप लोग देख सकते हो पूरा मैंने वायर डाल दिया हूँ। और कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। इसी एसी से मैं दूसरे एसी में लेके आया हूँ, उस एसी से तीसरे एसी में लेके आया हूँ। चलिए दिखाता हूँ और तीसरे कमरे में तो आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए जो उस तरफ उस कमरे से आया हुआ है ये सर्किट है, और जो इस तरफ से उस तरफ गया है ये भी सर्किट है इसी में, तो देख लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने जॉइंटिंग करके और ये जो तीन वायर है इसको मैं निकाल दिया फेस न्यूट्रल इन्वर्टर का। और यहाँ पर मधुमक्खी भी लगी हुई है आप लोग देख सकते हो। और ये एसी का बॉक्स है, यहीं से उठाकर मैं उस कमरे में किचन के बगल में भी ले गया हूँ। देखिए इसमें दो पेंसिल इधर और दो पेंसिल इधर और एक फैन बॉक्स, यानी कि दो फैन बॉक्स है। और ये रहा 6 मॉडल का बॉक्स, ये वायर पॉइंट। और चलिए फिर दिखाते हैं और इसमें पॉइंट कितना है मैं आप लोग को इनको दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो देखिए 1 2 6 मॉडल का बॉक्स है, एक एसी का बॉक्स और दो कंसील्ड इधर, दो कंसील्ड इधर, एक होल्डर इधर, और ये रहा मेन लाइन। और यहीं से उठकर उस कंसील्ड में वो 6 मॉडल बॉक्स में जाए, वहीं से होकर इस 6 मॉडल बॉक्स में गया है। तो आप लोग याद है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे। तो देखिए 3 और 3 6 पॉइंट है इसमें। और आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि तो आप लोग बताइए भाई आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग क्या ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए भाई। मैं आप लोग को जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, और हमारा वॉच टाइम पूरा कीजिए जो कि मैं बताया था। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और तो चलिए एक कल वीडियो आप लोग को शाम को 5 बजे मिल जाएगा। तो चलिए ओके बाय। सर ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए मैं पूरा वायरिंग का पूरा कंप्लीट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, और वायरिंग का कंप्लीट पूरा हो गया है। तो ये देख लीजिए ये रूम है, तो रूम में देख लीजिए। और अभी अंधेरा नहीं है, और आप लोग देख लीजिए कैसा ये लाइट लग रहा है, आप लोग को ये कमरा कैसा लग रहा है आप लोग बता सकते हो। तो ये विंडो है, और ये रहा 12 मॉडल का बोर्ड, आप लोग देख लीजिए ये 12 मॉडल का बोर्ड है। और ये 6 मॉडल बॉक्स है, तो मैं इसमें गिरी नहीं काटा था और इसमें दूसरा कोई काटा था। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दिया रखा हुआ था पहले से, इसकी कल ब्लैक हो गया है। और ये 6 मॉडल बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है, और ये विंडो है, और स्लाइडिंग का कांच लगा हुआ है। और ये देख लीजिए एक 6 मॉडल यहाँ पर है, और जो दिया है भाई उसमें तो वायरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ से कनेक्शन हम पीछे जीना के लिए ले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये अभी खुला हुआ है। और बाकी चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ये देख लो ये 18 मॉडल का बॉक्स है, यहाँ से लाइट पूरी जल रही है, और आप लोग देख सकते हो ऊपर भी। तो बारजे में भी देख लो, और ये रहा पूरा आप लोग देख। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग हमारे चैनल को, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। और ये देखिए यहाँ पर भी 18 मॉडल का बॉक्स है और बोर्ड है, और जो भी लाइट आप लोग को दिख ही रहा है आप लोग देख सकते हो पूरा कंप्लीट। और इसमें जो जो भी है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक 18 मॉडल का बॉक्स और दिखाई दे रहा है आप लोग को, सीट बॉक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा बोर्ड वगैरह लग चुका है। और ये देख लो ये भी एक है, और इसमें 4 दिए हैं आप लोग देख सकते हो। और ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में भी एक 12 मॉडल का बॉक्स है, 6 मॉडल का बॉक्स है, और आप लोग देख सकते हो इसमें 4 लाइट है, वाइट भी लगाए हुए हैं केवल प्योर वाइट। और ये भी दूसरा कमरा है और थोड़ा बड़ा है। और ये देखिए 12 मॉडल का यहाँ पर बोर्ड है, और आप लोग देख सकते हो लाइट तो केवल वाइट यहाँ पर लगा हुआ है। और इसमें एक 6 मॉडल का बॉक्स है, और ये 6 मॉडल का बोर्ड है, और यहाँ पे ये एसी के लिए पॉइंट दिए गया है। तो भाई जहाँ पर दिए रहेंगे वहीं पर हम देंगे, बाद में थोड़ी काटेंगे। और यहाँ पर एक 6 मॉडल का बॉक्स है। तो आप लोग देखते रहिए, और लाइट आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। और देखते चलिए पूरा कंप्लीट
नट जलाकर हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो देख सकते हो 12 मॉडल का बॉक्स भाई, हर रूम में तो 12 मॉडल बॉक्स तुरंत लगे। और एसी का बॉक्स ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर 6 मॉडल और यहाँ पर 6 मॉडल बोर्ड है, आप लोग देख सकते हो। चलिए तीसरे कमरे में दिखाते हैं, चौथे कमरे में। तो देखिए कमरे से हिलते ही आप लोग को 12 मॉडल बॉक्स और बोर्ड दिखाई देगा। और जो कि लाइट पूरा जला हुआ है, मैं जला दिया हूँ और पूरा कंप्लीट है। और ये देख लीजिए 6 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है, एसी के लिए पॉइंट वहाँ पर दिए गए हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को। देख लीजिए यहाँ पर दे रहा है एसी का पॉइंट। और यहाँ पर विंडो के बगल में एक 6 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है। और आप लोग अब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए। और आप लोग को मेन बोर्ड भी दिखाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। और ये देखिए यहाँ पर 2 वाइट कंसील लग गए हैं और इधर भी 2 कंसील लगा हुआ है। और 12 मॉडल का बॉक्स देख सकते हो आप लोग, दरवाजे के जस्ट बगल ही रहना चाहिए कहीं भी कोई वायरिंग करे तो। और ये देख लो एसी का यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, और यहाँ पर पॉइंट दिया गया है तो कुछ रॉन्ग ही है। और देख सकते हो आप लोग ये विंडो के बगल में एक 6 मॉडल का बोर्ड, और इसमें भी विंडो के बगल में ये 6 मॉडल का बोर्ड। हॉल थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये रूम ही है और बेडरूम है। और ये देखिए ये भी 6 मॉडल का बोर्ड है। और यहाँ पर सोफ़ा वगैरह आप लोग को तो दिख ही रहा होगा, तो आप लोग ये सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आप लोग को। और ये रहा मेन बोर्ड, देखिए ये चेंजर है। यहाँ से क्या होता है कि देख लीजिए लाइट पूरा बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाके तो ये जो पूरा ये तो यहाँ पर चेंजर लगा हुआ है। और इसको आप लोग बीच में करोगे तो कोई भी लाइट नहीं चलेगा, देख लो। और नीचे कर दिए तो जल गया, बीच में करोगे तो कोई लाइट नहीं जलेगा, नीचे करे तो चल गया। और तो यहाँ पर ये मैंने 2 सर्किट बनाया हुआ है इस बोर्ड का, और दिए 2 है एसी का, जो कि इसमें कि 3, 2, 5 एसी का बॉक्स लगा हुआ है। तो चलिए फिर आप लोग को आगे बताते हैं और देख लीजिए। और आप लोग को बारचे में दिखाते हैं, बारचे में भी आप लोग देख सकते हो, देख लीजिए। और बारचे में चलिए हम दिखाते हैं, ऐसे ही देखते रहिए। देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से वायरिंग हो चुका है, देख लिए। तो चलिए हम उस तरफ भी दिखा देते हैं। तो देखिए इसको हम जला दिए हैं अभी, यहाँ पर ये एक बाथरूम है, इसको भी जलाना है, नीचे भी यहाँ पर काम चालू है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर, ओके बाय। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए भाई लोग, देख सकते हो। बाय।